दिल्ली के हेडगर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोलकाता के रेप और मर्डर के केस में शोक सभा की। इस दौरान काफी डॉक्टर इकट्ठे हुए, उन्होंने मरीजों के साथ मिलकर एक जुलूस निकाला। जो डॉक्टर है जिसके साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई, उसके लिए न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान देखा गया कुछ पेशेंट भी डॉक्टरों के साथ आए। ड्रगपुरे मेडिकल टाइम्स ने डॉक्टरों से बात की और जानना चाहा कि ये हड़ताल अभी कब तक रहेगी। उन्होंने कहा ये हड़ताल अनिश्चित काल है। पहली बात तो ये, हम स्ट्राइक पर नहीं है, हम प्रोटेस्ट पर है और हमारी मांग है, हमारी एमरजेंसी बिल्कुल चालू है, हमारी ओपीडी चालू है। कोई किसी तरीके से हम नहीं चाहते कि हमारे मरीज परेशान हो, बट हम जो रेजिडेंट्स है, सीनियर जूनियर रेजिडेंट्स है, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर है पेशेंट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी होगी तो हम इस प्रोटेस्ट को बंद करके हम भी अपने काम पर लगेंगे। हमारी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, हम बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करते हैं। जैसा कि आर्जिकल हॉस्पिटल में हमारे गरीब के साथ हुआ, वो कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हमारी भी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेगी सरकार, तो आगे हम कैसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें बता दें और हम लोगों के साथ आगे सरकार से। तो ये स्ट्राइक अभी जारी रहेगी जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता।